हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ उड़द दाल और राजमा की ये टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राजमा और उड़द की दाल को रात में भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसको कुकर में डाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके ढक्कन लगा करके हम इसको 6-7 बिसल आने तक अच्छे से हम इसको पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज, टमाटर, 2-4 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची, अदरक ये सब काट लिए हैं तड़का लगाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस दाल में लगाते हैं तड़का। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है एक कढ़ाई और उसमें डाला है सरसों का तेल। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची, अदरक जो हमने लच्छों में काट करके रखी हुई थी, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें सारा प्याज डाल दिया। इसके बाद हम इसको चला लेंगे और इसको सुनहरा होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इन सभी को मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले जिनमें हमने लिया है नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। इन सभी को इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन रख करके इस मसाले को अच्छे से हम पका लेंगे। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें दाल डाल दी है। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला। इसका फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसको भी इसमें हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी बनती है और आप इसको चावल के साथ खाइए, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इस तरीके से एक बार आप बनाकर ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी बनेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स।